क्या क्या सुनाए और क्या न सुनाए। हम तो देखते हैं वर्तमान समय, बाबा कैसे वतन से अव्यक्त रूप से कितना जल्दी जल्दी अपने बच्चों को भेजते रहते हैं, और वे भी अब की मशीनरी में जो आएगा वो जल्दी निश्चय बुद्धि बनेगा। ये बीच का समय जो था उसमें लोगों में प्रश्न ये सब चले, और शुरुआत का समय यज्ञ स्थापन का समय। हम तो अभी दोनों तरफ के अनुभव सुन करके हमारे मन में ये आ रहा था कि बाबा ने बच्चों को कितने कितने अनुभव कराए हैं, और हम लोग जब आए बाबा के पास यज्ञ स्थापना के समय, शिव बाबा ने कैसे यज्ञ स्थापन किया, और गायन जो है यज्ञ में ब्राह्मणों को बिठाया, और ब्राह्मण ऊंचते ऊंच जाति मानी जाती है। तो मैं अभी देख रही थी कि हम लोग जब बाबा के पास है शुरू में माना स्थापना के समय, तो शुरू में हमारे पास कोई मेजॉरिटी तो बचपन में आई ना, 12 साल 14 साल कुछ उससे छोटे, हमारी ईशु दादी भी छोटी थी, और लच्छू दादी कितनी छोटी, कितने 6 साल की। बाबा ने जो ओमनवास बनाया तो उसमें छोटे छोटे बच्चे, और ईशु दादी 2 सालों से शायद बड़ी होंगी, 9 साल की, गुलजार दादी भी 9 साल की, और हम 12 साल की। वो भी हमको पीछे समझ आई कि 12 साल की है, उस समय तो हमें आयु भी भूल गई। तो हम देख रहे थे दादी 13 साल, मनोहर दादी 13 साल की, दादी बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी 14 साल की, जानकी दादी तो बहुत बाद में अनुभवी बन करके आई, मतलब अनुभवी बन करके आई दुनिया की। खैर भिन्न भिन्न प्रकार के बाबा के बच्चे, पर मैं ये देख रही थी कि स्थापना के समय बाबा की शक्ति स्थापना उस प्रकार से हुई जैसे कहा जाता है जैसे बाप वैसे बच्चे। हमारे सामने न कंट्रास्ट की बात, क्योंकि जमाना भी समय भी उस समय बहुत अच्छा था। आज के भेंट में तो 70 वर्ष पहले का जमाना याद करो, आप लोग तो कईयों ने देखा ही नहीं वो जमाना, और वो भी भारत जो भारत भूमि धार्मिक भूमि मानी जाती है। तो जो भी अच्छे बड़े घर वाले थे उनों के अंदर धार्मिक व्यक्ति, खान पान में भी वो परहेज वैष्णवपन, चलो खाएंगे तो कभी कभी, परंतु भावनाएं भगवान के प्रति बहुत, बल्कि सारे परिवार के अंदर बच्चों में भी कुछ न कुछ भक्ति के संस्कार। उठना सवेरे ही 5 बजे 4 बजे जो भक्ति करती थी माताएं, 3-3 बजे हमारी लौकिक माता जी 3 बजे उठ करके ठंडी के दिनों में ठंडे पानी से स्नान करके गीले कपड़ों से बैठ के भक्ति करती थी। ऐसे तो भावान भगत थे, और ऐसे भक्तों को, खैर हम तो छोटी थी तो इतनी ऐसी भक्ति नहीं करती थी, परंतु उठती 5 बजे 5 से पहले थी। तो ऐसे भक्तों को शुरू में जो हम आए, अधिकतर जो भी शुरू में आए तो एकदम आने से बाप की वो शक्ति, बाप की निराली से बाबा के सामने खड़े रहो,
कहाँ गुम हो जाते थे ये भी अभी शब्द कहते हैं। उस समय ये भी नहीं समझते थे गुम हो गए क्या हुए, मतलब बाबा जैसा है, बाबा की शक्ति से हम भी अपने को इतना ऊंचा समझ करके और एकदम हमारे सामने जो भगवान की महिमा गाई जाती है ना, वो बाबा के नैनों से हमें ऐसा ही अनुभव होता था। अब बचपन में हृदय भी शुद्ध है, वायुमंडल भी शुद्ध है, वातावरण भी अच्छा है, जहाँ रहते हैं परिवार अथवा घर का भी वातावरण अच्छा है, तो उनमें ये बात ऐसे पड़ गई जैसे कि हमारी जीवनी ऐसी है। और आने से ही मैं जब आई तो बाबा कश्मीर गए हुए थे, सत्संग चल रहा था, अचानक ऐसे दो सखियां थी और आपस में मिलते बात करते, छुट्टियों के दिन थे स्कूल के, आ गए तो सत्संग में बैठे और पहले ही दिन जैसे सुनते गए बस उसमें ऐसे बैठ गए जैसे उठने की दिल न हो, सारा सत्संग की सब चले गए, हम आराम से बैठे थे। ऐसे भी नहीं एकदम कोई गुम थे पता नहीं था, परंतु होते हुए पता है देखते ऐसे ऐसे नहीं थे, एक ना मिस्त्र मैं समझती हूँ घंटा डेढ़ तो ऐसे ही बैठे थे। ये भी नहीं सोचा ऐसा क्यों होता है, भगवान के घर में आए हैं, सुनने से भक्ति में भी तो भावना रहती है ना, तो उसी प्रकार से फिर चलते आए, बाबा आ गया कश्मीर से। उस समय भी सत्संग के अंदर भी बाबा ने जो शुरू में गीत बनाए थे वो गाते थे, और उन गीतों में क्या शक्ति थी, मनुष्य का क्या मर्तबा क्यों कोई नहीं है जानता। और बाबा पहले खुद भी गा करके बताते थे और हम उसे सीख करके गाते थे। मम्मा भी गाती थी, मतलब उस समय में वो ही हमारा लिए था। और उस समय गीतों जो शुरू में बाबा के गीत है आपने सब नहीं सुना है, हम है निज देसी लोग हमें कौन जाने, हम है निज देसी निज देश वोई हमें कौन जाने। फिर और आगे अभी तो नहीं आता है, परंतु फिर वो ऐसे ऐसे गीते एकदम मस्ती में हमने सुना और मस्त हो गए, और न कोई संकल्प न कोई प्रश्न न कोई ऐसी आदतें न कोई इतनी बुराइयां, जैसे कि बाबा ने बना बनाया हमें अपने पास बुला लिया। तो शुरू में वो बाबा की शक्ति थी, जो अपने बच्चों को कहा जाता है ना मुख की पैदा है, तो आप सब सब मुख की पैदाश है, परंतु जैसे जैसे दुनिया का वातावरण बदलता गया, आपकी एज बड़ी होती गई, दुनिया का सारा रंग ढंग कोई उसमें आ गए, कोई उनको देख करके समझ के आगे चलते रहे, परंतु शुरू में वो शक्ति ने काम किया। हम आए बाबा को देखे, बाबा के बन गए, बाबा के गोद में गए, ऐसे समझा यही हमारे माता पिता है, ये मेहनत नहीं करनी पड़े, ये भगवान है हमारा माँ भी है, उनको याद करना है और सब भूलना है, भूल ही गए। वहां रहते भी रहते लौकिक में थे, पर जल्दी ही हम भी जब आई तो थोड़े ही समय में बाबा ने स्कूल खोला था छोटे, वो भी कायदे से नहीं, परंतु थोड़ा थोड़ा सिखाते थे हिंदी और जो भाषाएं है, किताब विताब नहीं, लेसन अपने ज्ञान के, बाबा ही ज्ञान के लेसन बनाते थे। दादी बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी वो इंग्लिश पढ़ाती थी, और दूसरी बहन थी जो हिंदी हमें सिखाती थी। खैर हम स्कूल में भी पढ़ के आए थे, उस समय कितना बस ये छोटा क्लास ये बड़ा क्लास दो क्लास और एक बच्चों का क्लास तीन क्लास थे, और उसमें हम बैठ गए इसी रीति माना सहज भाव से आए और बन गए, कोई प्रश्न नहीं, जो बाबा बताए एक्सेप्ट,
मानते गए और उसमें चलते गए। संस्कार परिवर्तन कोई बुराइयों को, जैसे बाबा ने कहा, परिवर्तन हो ही गया, परिवर्तन करना है, मेहनत करनी है, ये बातें हम लोगों से नहीं थी। जो बाबा ने कहा किया, क्यों करे, कैसे करे, ये है वो है, ये तकलीफ है, तकलीफ हो भी तो भी उसका वर्णन नहीं, बस बाबा ने कहा है, करना है करना है। जब निश्चित है तो फिर तकलीफें लगेगी ही नहीं। तो शुरू में सचमुच देखा जाता है कि बाबा ने स्थापना का कार्य अपने मुख द्वारा रचे हुए ब्राह्मणों को कैसे पैदा किया, जो कहा जाता है जैसा बाप वैसे ही बच्चे। जो बाबा समझाते गए बस समझ गए, अशरीरी बनना है अभिशब्द है। उस समय शुरू में तो दिव्य दृष्टि का पाठ था, अंजो आते थे समझाने बिठाते थे तो पहले ही दिन, अभी तो पहले दिन आत्मा का लेसन बताएंगे, 3 मिनट भी मुश्किल योग कराएंगे, भाई बैठ नहीं सकेंगे, मन चंचल है। परंतु हमारे दिन शुरू में जो भी आया, आत्मा का लेसन दिया परे कायदे से, जो सुन के जाते हो उसको कल सारा दिन याद रखना है और जो बताते हैं उस पर अभ्यास करना है। दूसरे दिन वो पूछेंगे और 15 मिनट 20 मिनट साइलेंस में बिठाएंगे, आत्मा का समझा के शांत, एकदम कुछ कमेंट्री नहीं, एकदम शांत, और वो अशरीरी बन जाते थे, शरीर से परे। कोई तो ध्यान में भी चले जाते थे। तो शुरू में बाप की शक्ति ने स्वयं अपनी शक्ति से स्थापना का कार्य शुरू किया। जो भी उस समय आए मुख से ब्राह्मण, जैसा बाप वैसे बच्चे, जो बाप बताता जाए उसको जीवन में धारण करते जाए, जो बाप कहता जाए ऐसी अपनी जीवन बनाता जाए। ये जो मेहनत का काम है, मेहनत जिसको कही जाती है, इस प्रकार की मेहनत नहीं, अटेंशन जरूर बाबा ने सिखा दिया है, वो ही करना है। थोड़ा किनो किनो को घर का बंधन, किनो किनो को, चंद्रास बाबू को भी बंधन था पहले, उसको भी छुट्टी नहीं मिलती थी और वो भी बंधन से निकल आया। कुछ ऐसे भी थे बंधन वाली माताएं, कुमारियों को कितना, हमारी मनोहर दादी कितना बांध रही जंजीरों में, उनको पाँव में जंजीरें डाल के घर में बिठाया, गंगे दादी जिसने शरीर, किनो किनो को ये तकलीफें आई, परंतु शुरू में आने से उनों को जो बाबा के शक्ति का अनुभव हुआ हम लोगों को, वैसे हम कहें साक्षात्कार हुआ वो भी बात नहीं, पर जैसे प्रैक्टिकल में हमारे आगे वो सर्वशक्तिवान भगवान प्रत्यक्ष है। ये प्रश्न नहीं उठता था क्या उसका रूप है, कैसे माने, शक्ति है ना, परमात्मा सर्वशक्तिवान है, वो सर्वशक्ति का दिल में अनुभव, वो शक्तिशाली भासना आती थी और बस उसी में चल पड़ते थे। ये तो सबसे बड़ी शक्ति ना, कोई प्रश्न न उठे, जो बोले वो हम धारण करते जाएं, जीवन बनती जाए। और आपस में भी जो संगठन शुरू में बना, ये संस्कारों का टक्कर, स्वभावों का, ये कोई बातें नहीं, बाबा जैसे चलाए। तो चंद्रिका के अनुभव से आप लोगों ने सुना कि कैसे कैसे उसको बाबा की शक्ति का अनुभव हुआ, बाबा दिल को, दिल की बात कैसे अंतर्यामी है, पहुंचता है तो वो विश्वास बिठाता है, बाप का प्यार। चंद्रास के अनुभव से सुना कि पालना बाबा ने कैसे दी, तो ये पालना का रूप जो शुरू में हम बच्चों को मिला, जिसमें हम पलते आए और पलते पलते जैसे बाबा कार्य में लगाता गया, और ये बात जो बाबा ने कहा वो ही करना है, उसमें कोई प्रश्न नहीं, कैसे करे हमें तो आता नहीं, बच्चे थे क्या आएगा, बच्चों को जो माँ बाप सिखाता जाता है उनमें वो कला आती जाती है, बढ़ती जाती है, करते जाओ
आज्ञाकारी बन के करते जाओ, कलाएं बढ़ती जाएंगी। आप ही माँ बाप सिखाते हैं, वो बताते जाएंगे ये करो ऐसा करो, हम करते हैं तो वो कला आगे बढ़ती है। बस शुरू में हम लोगों को बाबा ने ऐसे चलाया, ऐसे चाहे कहाँ भी जाएंगे। बाबा ने कहा वहां जाओ, मुझे तो याद है एक बार बाबा ने हम भोजन पर बैठी है, अजन सेवाएं इधर अबू में आए थे, अजन सेवाएं शुरू हुई थी। मैं समझती हूँ आधा घंटा भी ट्रेन में टाइम नहीं था, मैं ऐसा समझो कहने में ऐसा आता है। बाबा ने कहा बच्ची अभी जोधपुर में जाना है, बस फटाफट दो वगा लिया, उस समय तो कपड़े इतने ही लेते थे, दो वगा लिया फटाफट जल्दी, बाबा ये करो इसको जल्दी पहुंचाओ, कोई गाड़ी मोटरें भी नहीं थी, जल्दी फटाफट दौड़ते दौड़ते वहां पहुंचे और ट्रेन चली और वहां पहुंच गए। बाबा ने कहा और सेकंड भी, बाबा की ये बहुत बड़ी विशेषता थी, बाबा फौरन अभी कहा अभी करो, अगर उस समय हमने ना कर दी या थोड़ा बाबा ये करना है अच्छा मैं जाऊंगी, ये नहीं चलता है फिर छुट्टी। ये एक बार भी अगर ऐसा हमने बोला तो समझो बाबा ने समझ लिया ये बच्ची मेरे काम की नहीं है। तो बाबा ने हम बच्चों को इसी प्रकार से चलाया, जैसे नेचुरल माँ बाप और बच्चे हैं, इसलिए हम लोग ऐसे ही समझते थे हमने भगवान से जन्म लिया है, जन्म से हमारे माँ बाप है, इसलिए हमें अपने लौकिक माता जी मेरे साथ होते भी जब हम आकर के रहे कराची में तो पहले मैं ही रही, माता जी लौकिक में ही थी तो भी हमें कभी उसकी याद नहीं आई। फिर जब ओम मंडली बैन हो गई, मानता उसको मैं लेके आई, साथ रहते भी कहाँ वो रहती है, कैसे चलती है, क्या करती है, स्वप्न मात्र भी संकल्प ना आया तो हम जाके उसको देखें, और न उसने कभी हमारे लिए संकल्प किया। अंदर में वो मोह हो, माताओं को तो कह नहीं सकते हैं, परंतु ऐसी कोई बात नहीं रही, माना नेचुरल यही हमारे माता पिता है। माँ बाप की शिक्षाओं पर चलो तो जैसे माँ बाप के संस्कार वैसे बच्चों के बन जाते हैं, हम लोगों के जीवन का अनुभव ऐसा है। इसलिए लौकिक से तो क्या, पुरानी दुनिया से टोटल हमारा कहां भी ध्यान नहीं जाता था, नहीं तो आप सोचो 14 वर्ष हम अंदर कैसे रह सकते थे। और तपस्या में ऐसे योग में बैठे तो और कुछ याद आने की जरूरत ही, बच्चों को कुछ याद आता है क्या? बच्चों को बिठाओ एक एक घंटा, अभी भी देखो छोटे बच्चों को बिठाओ एक एक घंटा, अभी के बच्चे थोड़े चंचल होते हैं, पर इससे पहले थोड़ा कुछ वर्ष पहले के बच्चे बिठाओ बैठे रहेंगे चुप करके। तो हम लोग भी ऐसे थे, माना हम चुप करके नहीं, योग में पावरफुल शिव शक्तियां हैं हम, बाबा आएगा सामने, हमारी बठियां होती थी बाबा से, बाबा के होते साकार बाबा के होते, उस समय हम बोलते थे ऑलमाइटी का प्रोग्राम, दिव्य दृष्टि में जाते थे जो, तो भाई ऑलमाइटी बाबा ने ये संदेश भेजा है, ऐसे उसका डायरेक्शन है, तो इसी अनुसार भट्टियों का प्रोग्राम आता था। 5 दिन की भट्टी, 5 दिन एक कमरे के अंदर, मैं समझती हूँ 8-10 घंटे योग में बैठते थे, 4-4 घंटा कट्ठा योग में बैठते थे। अभी कोई बैठ के दिखाए, 1 घंटा बैठेंगे तो भी जमाना बदल गया, प्रकृति बदल गई, स्वयं की प्रकृति बदल गई, सुभाष संस्कार में वायुमंडल का प्रवेश हो गया। उस समय बचपन में आए तो सुबह संस्कार वो ही बन गए, इसलिए शुरू का सब मिसाल हमारे सामने है। शुरू में स्थापना काल
कितना पावरफुल, फिर कार्य आगे बढ़ता गया और कैसे कैसे आते गए धीरे धीरे। विदेश में भी पहले जाना हुआ, उस समय कैसा था, कैसे वो आए, कैसी मेहनत से वहाँ स्थापना करनी पड़ती है, और अब बाबा का कार्य बड़े सुचार सहज रीति से कार्य सेवाएं चलती जाती है। परंतु वायुमंडल के अनुसार जो आते हैं उन्हों को थोड़ी मेहनत अपने साथ करनी पड़ती है। और फिर ये भी मैं समझती हूँ थोड़े समय में, अभी भी जल्दी जल्दी अपने देखते, ये भी आने वालों से मेहनत छूट जाएंगी और प्रत्यक्ष प्रमाण देख करके वो मानते आगे चलते जाएंगे और कार्य अपने संपन्नता पर पहुंच ही जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जल्दी जल्दी अपन को संपन्न बनाओ। हमें अभी यही ध्यान रखना है, समय पहुंच गया है, हमें जल्दी संपन्न बाप समान स्वयं को बनाना है।